नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि जो फ्यूचर मेकर कंपनी पे केस चल रहा है उसके बारे में अभी तक बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा, जैसे कि कब पे आउट होगा, कब CMD को बेल मिलेगी, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है इसके बारे में। और अथेंटिकेट न्यूज है वो अभी तक नहीं आ रही फाइनल कि पे आउट कब से शुरू हो रहा है, कंपनी कब से कब तक शुरू हो रही है इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप जय फ्यूचर मेकर जय राधे श्याम कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब दोस्तों, बात करते हैं पे आउट की। पे आउट कब शुरू होगा? पे आउट तो दोस्तों तब शुरू होगा जब कंपनी को क्लीन चिट मिलेगी। अभी तक तो बात चल रही है सबसे पहले CMD श्री राधे श्याम जी की और श्री सुंदर सैनी जी की जो बेल है उसके बारे में। तेलंगाना से तो उन्हें बेल मिल चुकी है, तेलंगाना से बेल मिलने के बाद फाइनल हो चुकी है। तीन केस थे, उसमें से दो में बेल मिल चुकी है और तीसरा केस खारिज हो गया। अब बात करते हैं फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में जो शिकायतें चल रही हैं उन केसों के बारे में। दोस्तों, शिकायतें उनके पास उनके खिलाफ धोखाधड़ी की है जो अभी जांच चल रही है। और आज 26/10/2018 को आज की जो तारीख है उसमें सुनवाई होने वाली है और बताया जा रहा है कि लगभग आज बेल हो जाएगी। अगर आज नहीं होती तो 31 तारीख को लास्ट फाइनल बेल हो जाएगी। और उसके बाद जो फ्यूचर मेकर कंपनी के MD और CMD उनकी मीटिंग होगी बेल होने के बाद, और फिर कंपनी को क्लीन चिट दिलवाने का काम होगा। जब क्लीन चिट मिलेगी उसी के बाद ही पे आउट आएगी। उससे पहले दोस्तों इसके बारे में कहना कि इतनी तारीख को पे आउट आएगी, इतनी डेट को आएगी, वो नहीं कह सकते। जो भी इस तरह की वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं कि इतनी तारीख को पे आउट आएगी, वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई अथेंटिकेट खबर नहीं है, न्यूज़ नहीं है कि बेल 26 को मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, 31 को मिल जाएगी। हाँ, ये कन्फर्म है कि मिल सकती है, क्योंकि जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने बेल दी है उसकी कॉपी यहाँ लगा दी गई है। जो केस चल रहा है उसमें एप्लीकेशन जो इसके लिए बेल के लिए जमानत के लिए जो एप्लीकेशन लगाई उसमें उस जमानत का भी हवाला दिया गया है, उसके थ्रू जमानत मिल जाए। तो दोस्तों, जब जमानत मिलेगी उसके बाद वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और क्लीन चिट के बाद ही आपकी जो पे आउट है वो शुरू होगी और कंपनी फिर से शुरू होगी। और दोस्तों, इसके साथ ही एक न्यूज आई है आज की न्यूज़पेपर में है, फतेहाबाद भास्कर के, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले यहाँ पता नहीं क्या क्या भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। आप उस न्यूज़ को देख सकते हो और जो न्यूज़ है उसमें बहुत ही गलत सोच बताई गई है और गलत ही न्यूज़ दी गई है। अब उस न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं, उस न्यूज़ में क्या दिया गया है। दोस्तों, ये फतेहाबाद भास्कर 26/10/2018 का डेट का ये वो पेपर है, उसमें बताया गया है कि राधे श्याम की जमानत याचिका खारिज। फ्यूचर मेकर के CMD हिसार के गांव सीसवाल निवासी राधे श्याम की जमानत याचिका खारिज हो गई। ACJM विकास गुप्ता की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सरकारी वकील व राधेश्याम के वकील ने अपने अपने पक्ष रखे। राधेश्याम के वकील का कहना है कि पुलिस रिमांड ले चुकी है, इसके अलावा न तो चिटफंड का मामला बनता है और न ही धोखाधड़ी का, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। केस की जांच भी पूरी हो चुकी है। वहीं तेलंगाना अदालत की ओर से जमानत देने का ऑर्डर कॉपी दी यहाँ की अदालत को दी गई। इसके जवाब में सरकारी वकील ने पुलिस की ओर से पक्ष रखा और मामले की जांच अभी चल रही है। तो दोस्तों, जो अभी कार्रवाई चल रही है उसके बारे में बताया गया है कि सब जमानत याचिका खारिज हो गई है और साथ में बोल रहे हैं कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जमानत वो सुरक्षित रखी गई है। अब देखो जमानत कब तक दी जाएगी। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर की तरफ ध्यान ना देते हुए आप ये दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द कंपनी शुरू हो और जल्द से जल्द पे आउट शुरू हो, जिससे कि जल्द से जल्द अपना बिजनेस फले फूले और हमें प्रगति प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय फ्यूचर मेकर, जय राधे श्याम, आपका दिन शुभ हो। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस न्यूज़ फ्यूचर मेकर की जितनी भी न्यूज है उनसे अपडेट रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय फ्यूचर मेकर।